हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं वेज चिकन बिरयानी बनाने जा रही हूँ। सब्जियाँ ज़्यादा हैं, चिकन कम है, तो मैं मैरिनेशन दिखा रही हूँ कि क्या क्या मैं डाल के पहले मैरिनेट करके आधा घंटा रख दूँगी, फिर जब बनाऊँगी तो बाकी सारे दिखाऊँगी प्रोसेस क्या क्या करने हैं। तो ये मैरिनेशन के लिए, मैरिनेट करने के लिए मैं मसाले डाल रही हूँ। एक चम्मच ये है बिरयानी मसाला, कोई भी बिरयानी मसाला आप ले लें, एक चम्मच ये डाल दीजिए। नमक ले लीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं। छोटी, बहुत छोटी स्पून है, आधी स्पून काली मिर्च ले लें। 400 ग्राम चिकन है ये, ऐसे आधी स्पून आप धनिया ले लें। भुना पिसा जीरा है, ये भी आधी स्पून, बहुत छोटी सी स्पून है, बहुत। ऐसे जरा सा बिल्कुल हल्दी ले लें। सारी चीज़ें हो गई। कागजी नींबू ले लीजिए, इसमें आधा आधा कागजी नींबू ले लीजिए। आधा कितना मिला के उसको आप मिक्स कर लीजिए सबको। मिर्च में नहीं डाल रही हूँ, बाद में देखूंगी, अभी नहीं डाल रही मिर्च। दही हमारा छोटे चम्मच से 3 चम्मच है, छोटा सा चम्मच, ये भी ज्यादा बड़ा नहीं है, ये चम्मच है, इसे 3 चम्मच दही है। सबको मिला के आप आधा घंटा के लिए रख दें। दही मैंने डाल दिया था, ये अदरक लहसुन भी है 1 चम्मच, इसको भी आप मिला लें। बस इसे मिक्स करके आप रख दें आधे घंटे के लिए। ये हमारा चिकन मैरिनेट हो गया है। इसमें डालने के लिए, बाद में डालूंगी, पहले चिकन को बना लूंगी। एक प्याज है मीडियम साइज का, जिसको मैंने अंडा कट काट लिया है। एक शिमला मिर्च है जो मैंने काट लिया है, उसको जिस तरह आप काटना चाहें जिस साइज का काट लें, बहुत बड़ा ना रखें। 2 चिली है, ग्रीन है, रेड हो गई है ये, तो उसको मैंने लिया है। 1 कैरेट है, ऐसे काट लिया मैंने। 8-10 बीन्स हैं जिसको मैंने कट लिए हैं, छोटे छोटे कट कर लिए हैं। और पत्ता गोभी है, तो ये तो अपने अंदाज से आप ले लें कितना लेना है आपको। इतनी सब्जियाँ इसमें जाएंगी। फिर ये पुदीना और धनिया का पत्ता है, और ये गरम मसाला राइस के लिए, राइस जिससे छौंकूंगी, तो ये राइस के लिए राइस है हमारा 700 ग्राम। ये है 400 ग्राम, राइस 700 ग्राम है, बाकी सब्जियां हैं। अब मैं पैन में डाल रखा है, मैंने रिफाइंड डाल रखा है, ये 1 प्याज डाल दूंगी। इसको सॉफ्ट कर लें, डाल के पहले ये हमारा प्याज हो गया है, ट्रांसपेरेंटली है, ज़्यादा डार्क नंबर है। तो ये आधा चम्मच लहसुन अदरक मैंने बचा रखा था, वो डाल दिया मैंने। ठीक है, ये हल्का से चलाने के बाद अब इसमें ये मैरिनेट किए हुए चिकन डाल दिए, चिकन डाल दिया मैंने मैरिनेट किए हुए। इसको बर्तन को धुल के डाल दें। जार में हमारा लहसुन अदरक लगा हुआ था, वो भी मैंने डाल दिया, और मसाला मैरिनेशन वाला लगा था वो भी डाल दिया। मिर्च के टुकड़े थे, मिर्च मैंने बिल्कुल नहीं डाला है, 1.5 मिर्च है ये मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसमें थोड़ी देर पकने दें, थोड़ा देर गल जाइए ज़रा सा, उसके बाद सब्ज़ी गलेगी। मसाला लाइट है इसमें, ज़्यादा मसाला नहीं है। ये हमारा चिकन हो गया है। अब सबसे पहले मैं कैरेट मिक्स कर देंगे, कैरेट
इसको मिक्स करेंगे, थोड़ी देर इसको चला लें, दो मिनट चला लेंगे इसको पहले। कम करके गैस, मैंने इसमें बीन्स मिक्स कर दिया, बीन्स डाल दीजिए, शिमला मिर्च डाल दीजिए, एक डेढ़ मिनट इसे चला लीजिए, फिर कैबेज डाल दीजिएगा। कैबेज मिक्स कर लीजिए, कैबेज भी डाल दीजिए आप इसमें, ये थोड़े पुदीना और धनिया के पत्ते हैं वो डाल दीजिए, और अभी थोड़ी काली मिर्च दोबारा से सब्जी डालने के बाद हाफ टी स्पून काली मिर्च और हाफ टी स्पून भुना जीरा, नमक देख लें, नमक अपने हिसाब से डाल दीजिए, ये दो चीज़ डाल दीजिए इसमें, और कोई मसाला नहीं डालूंगी, बस इसको आप मिक्स करके दो तीन मिनट पका लीजिए। नमक चेक कर लीजिए, सब्जी रेडी है। जब इसको लास्ट में अब इसमें 1 से 1.5 चम्मच घी डाल दीजिए, घी डाल के थोड़ा भून लें इसको, वैसे रेडी है ये। पतीला रखा मैंने गैस पे, इसमें मैंने रिफाइंड और घी मिक्स करके डाला है, 2 तेज़पत्ता है जिसके मैंने धुल के 4 टुकड़े कर दिए हैं, थोड़ी सी जावित्री है बिल्कुल छोटी सी, दालचीनी, इलायची 3-4 इलायची, 3-4 लौंग और स्याह जीरा, ये डाल दिया मैंने। एक साइड मैंने पानी उबलने रख दिया है, जितना चावल है उसका डबल पानी रखें आप, अगर 4 कटोरी चावल है तो 8 कटोरी पानी रखें, एक साइड उबाल लें। पानी गर्म हो गया है हमारा, मसाला हमारा हो गया है, अब इसमें गर्म पानी डाल देंगे। मैंने पानी को छौंका है, अभी पानी उबल रहा है, पर दूसरी गैस पे मैंने उबाल दिया था, अब इसमें चावल डाल दीजिए आप, चावल धुल के रखा, आधा घंटा भिगोया था मैंने, पानी डाल दिया मैंने, अब नमक डाल दीजिए आप अपने अंदाज से डालिए, मैं चेक करके फिर डालूंगी कम होगा तो, सब्जी में भी नमक है इसलिए ज़्यादा नमक ना होगा, कम ही रखें नमक, बस इसको चला के ढक दीजिए। एक उबाल आए तो गैस थोड़ा सा कम करके, जैसे चावल बनता है पुलाव वगैरह उस तरह से बनाएं इसको। चावल हमारा 90% पक गया है, अब इसमें मैं थोड़ा सा ज़ाफ़रान का, दूध में ज़ाफ़रान घोल के डाल दूँगा, हाँ तो अब मैं गैस से नीचे रख लिया है और उसकी सब्ज़ी डाल दी ऊपर से, जो चिकन सब्जी वगैरह मैंने तैयार किया था, पानी नहीं है इसका, पानी बिल्कुल ज़रा सा है, क्योंकि इसको फिर दम पे रखूँगी मैं, ये आप ऊपर से डालें इसको, मिक्स ना करें अभी, सारी सब्जियों को अपने ऊपर से लगा दें। हमारा ये रेडी है, नीचे राइस है, ऊपर से सब्जी, सब्जियों का जो मिश्रण मतलब था जो मैंने बनाया था वो है वेजिटेबल और चिकन। अगर किसी को चिकन नहीं खाना है सिर्फ वेजिटेबल, तो बिल्कुल इसी तरह से बना लें, सब्जी और चावल बना के उसमें ऊपर से लगा लें, चिकन सेफ नहीं होगा। अब इसको मैं दम के लिए रख लूँगी 5-7 मिनट, जो भी है, गैस बिल्कुल लो करके कम करके उस पर रख दूँगी मैं ढक के। ये हमारा रेडी है वेज चिकन बिरयानी, अब मैं अभी निकाल के दिखाती हूँ आपको, देखिए बिल्कुल खिला खिला चावल है ये, ऐसे एक साइड से निकाल के खिलाते हैं आप जिसे भी खिलाना है खाना है, मैंने मिक्स नहीं किया है, देखिए चावल बिल्कुल खिले खिले हैं, मैंने ये डिसॉल्व कर दिया, देखिए आपको कितना अच्छा लग रहा है, बिल्कुल खिले खिले चावल हैं, आप लोग बना के खाएं, बहुत टेस्टी लगता है ये, और मुझे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, लाइक ज़रूर करें, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। चटनी